ओ भाई साहब, फ्रैंकलिन मेरे से बोल रहा है कि सारा काम मैंने कर दिया है, बस जो बाकी का तुम्हारा काम है जो कि रह गया है उसका। और कोना गाइस, मैं एक काम करता हूँ, फुल सब सब तरफ से गोलियों की बौछार कर देता हूँ भाई, हर गार्ड्स के साथ। देखो भाई कैसे, जैसे इसने ही मारो अबे तेरी। ओ भाई अबे तेरी भैंस की। तो फाइनली गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे आप सभी लोग, होपफुली बढ़िया ही होंगे यार। आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। और लास्ट एपिसोड में आपको यार याद ही होगा कि भाई भाई डेविड को मारने का यार मैंने लास्ट में कोशिश करी थी, एंड वो गाइस ना पूरी अपनी मतलब वो इतने सारे बॉडीगार्ड साथ में ले आया था, मुझे पता भी नहीं था। उसके बाद यार उन लोगों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया एंड मुझे यहाँ पर लिया है भाई। ये पता नहीं कौन सी जगह है, एक टनल टाइप की कुछ लग रहा भाई, बहुत ज़्यादा डार्क है इधर, एंड पता नहीं यार मैं क्या करूँ भाई। बट हाँ, देखना पड़ेगा यार यहाँ से मैं निकलूँ कैसे। एंड और भाई कैसे, इन्होंने ना यार मुझे बहुत ही मारा है मेरे भाई, हर जगह चोट लगी पड़ी है बॉडी पे। एंड भाई एक सेकेंड, यहाँ पर सिक्योरिटी मतलब बॉडी गार्ड्स हैं, यानी कि यार ऐसा हो सकता है कि डेविड यहाँ पर हो, कुछ भी हो सकता है भाई। लेकिन गाइस अब यार समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। एंड यार भाई साहब, बाकी एक काम करते हैं, यहाँ से मैं ना निकलने की कोशिश करता हूँ। एक सेकेंड यार, यहाँ पर कुछ बैग्स पड़े हैं, इन बैग्स के अंदर क्या है। एक सेकेंड, इतने सारे बैग्स भाई, एक सेकेंड ये क्या सीन है यार, इतने सारे बैग्स, एक मिनट चेक करता हूँ। गाइस गाइस यार इसमें ना यार मेरी गन्स थी और मेरे सारे वेपन्स थे भाई, इस इन इन मतलब जो सारे बैग थे ना इसके अंदर मेरे सारे वेपन्स थे जो उन्होंने मुझसे ले लिए थे। और भाई मैंने सारे वेपन्स निकाल लिए अपने, और अब मैं ये देखो भाई गाइस यहाँ से कैसे निकलने वाला हूँ। और देखना गाइस अभी ना भाई मेरे को मेरी गन्स मिल गई हैं। अभी एक सेकेंड ज़रा जलाओ अपनी फ्लैश लाइट, एंड अब देखो मैं क्या करता हूँ भाई, लेट्स गो गाइस। ये जो भाई टनल है ना, देखने से तो लग रहा है कोई माइनिंग टनल है जहाँ पर अभी भी माइनिंग चल रही है, बट ये मुझे यहाँ पर भाई ये है कहाँ पर। वेट भाई इधर भी तू क्या कर रहा है यहाँ पर भाई, बाइक मिल गई गाइस। चलो ठीक है भाई, बाइक तो मिल गई मुझे। एक सेकंड यार ये चलती भी है कि नहीं। ऑल राइट यार ये स्टार्ट हो गया भाई, लेट्स गो, इसकी चलाते हैं हम हेडलाइट। ऑल राइट यार मैंने इसकी फाइनली हेडलाइट ऑन कर ली। और भाई यहाँ का रास्ता यार पता नहीं कैसे ही चलाऊँ मैं, कुछ भी यार समझ नहीं आ रहा कहाँ पर चलाऊँ मैं। एंड ओ भाई यहाँ पर तेरी भैंस की, निकल यहाँ से चल तू भाई साहब। इतनी लंबी टनल है ये भाई, है कहाँ का रास्ता, मतलब ये टनल मुझे पता भी नहीं है इतनी बड़ी कोई टनल है भी लॉस सैंटोस में, और या मैं लॉस सैंटोस के अंदर ही हूँ या फिर बाहर हूँ कुछ पता नहीं। एक सेकंड हो भाई, तुम्हारी पैस की, निकलो यहाँ से सबके सब। एक मिनट गाइस, यहाँ पर ये कैसे गाइस यार, यहाँ पर ये क्या सीन हो रखा है। एक और रास्ता है टनल का, बट मैं एक काम करता हूँ, सीधा सीधा चलूँगा भाई, तुम्हारा भाई एकदम सीधे सीधे जाएगा। देखते हैं यार शायद मैं या फिर और अंदर जा रहा हूँ टनल के, लेकिन यार गार्ड्स भी तो यहीं पर ही है ना। एक काम करता हूँ भाई, जहाँ जहाँ पर गार्ड्स हैं उनको मारता हो जाऊँगा, शायद ऐसा हो सकता है कि वो एग्जिट तक मुझे पहुँचा दें भाई। लेकिन मारना पड़ेगा, बहुत आराम से जाना पड़ेगा। ये अच्छा हुआ उन लोगों ने यार मेरा आर्मर नहीं होता, तुम्हारी पैस क्या बटो यहाँ से। एक सेकंड को पीछे वाले को पहले मार देता हूँ, तेरी पैस की रुक अभी। चल भाई तू भी निकल, चल तू भी निकल तेरी पैस की टेंट। ऑल राइट चलो भाई अभी अपनी फ्लैश लाइट ऑन करते हैं, और अब बताओ तुम्हारी ऐसी जैसी कहाँ है भाई। ओ भाई मैं और अंदर जा रहा था यार पीछे वापस, अभी ना यार जल्दी से मुझे जाना पड़ेगा भाई, मुझे एकदम रोशनी सी दी। ऑल राइट यार मुझे रोशनी दिखी एंड वहाँ पर एग्जिट है, लेकिन यार ये देखना पड़ेगा सबसे पहले तो बाहर का रास्ता ही है ना, वो लग तो रहा है रोशनी आ रही है, यानी कि बाहर का रास्ता ही है, बस देखना पड़ेगा। एक सेकंड, और ये भी भाई इतने सारे बॉडी गार्ड्स की आखिर कर क्या रहे हैं इधर, और डेविड तो दिख ही नहीं रहा यार। एंड कुछ भी हो सकता भाई, देखो कितना बुरा मारा यार इन्होंने मुझे। वेट और भी कहीं से गोलियां वगैरह चल रही हैं भाई, बल्लास क्या है ये, देखो ये तो कहीं से कहीं तक पीछा नहीं छोड़ने वाले मेरा। रुको ये लोग भी यहाँ पर भाई, इनका तो ज़रूर मुझे पता है, इनका भी हाथ है कहीं ना कहीं से, इनको भी बताना पड़ेगा। रुको अभी तुम्हारी ऐसी की तैसी, रुक एक सेकंड, रुक चल भाई तू भी निकल यहाँ से। और कौन है फेट, एक सेकंड यार इनको मारना पड़ेगा सबसे पहले तो, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब करो। फेट यार भाई साहब यार मेरा पैर मुड़ जाता है, एक मिनट रुको। ऑल राइट चलो ठीक है, और तू ये एक सेकंड, और है एक सेकंड, इसके पीछे दो दो हैं, चल तू भी निकल भाई, कैसे आ रहा है। एक सेकंड भाई, बल्लास गैंग के लोग भी यहाँ पर हैं गाइस। यार मैंने तो भाई बल्लास गैंग के साथ कुछ किया भी नहीं था, मतलब मैंने उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था एंड उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। और यार डेविड ने भी कुछ ऐसा ही किया था मेरे साथ,
बट पता नहीं अब क्या करूँ मैं, बाकी पहले इनको उसको मारना पड़ेगा भाई। फिर यहाँ से जल्दी से निकलते हैं यार यहाँ से गाइस हम लोग। ऑल राइट ओके भाई, ये कहाँ पर आ रहा है तेरी भैंस की, रुक अभी पहाड़ी पे चढ़ के मारा कहाँ गया भाई साहब। ओके भाई मर गया शायद से, चलो ठीक है यार। ऑल राइट तेरी इधर को, तेरी भैंस की टैंड निकली यहाँ से भाई साहब, यहाँ कार के अंदर घुसा हुआ था। चलो भाई आई थिंक मेरे ख्याल से सारा मामला क्लियर है, लेट्स गो। ऑल राइट यार तो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। ये पता नहीं रेंज रोवर इन लोगों की खड़ी हुई थी भाई, मैंने एक सेकंड गाइस ये रास्ता मैंने पहले भी देखा है भाई, मैं यहाँ पर मैं पहले भी आ चुका हूँ यार, यानी कि लेकिन यार ये इस टनल के बारे में मुझे गाइस आज तक नहीं पता था यार ऐसी भी कोई टनल है। वेट एक सेकंड पर लास्ट गई, तू निकल तेरी भैंस की कैसे, वेट हो भाई अब तुम्हारी भैंस की भाई साहब। भाई ये क्या हो गया, इजी हो भाई साहब, बहुत ऊपर से बच गया भाई, ये अच्छा हुआ कीचड़ में गिरा मैं, जिससे कि यार ज़्यादा चोट नहीं लगी बट लगी तो है भाई। ये देखो यार मतलब इन लोगों ने यार गाइस मेरे कार के ऊपर फायर करके नीचे गिरा, अच्छा हुआ मैं कूद गया, निकल तेरी भैंस की। लास्ट गैंग के बंदे नहीं मानने ना, अभी रुको तुम्हारी ऐसी की तैसी और कहाँ पर है भाई साहब। यार गाइस देखो मेरी कार नीचे है, अच्छा हुआ मैंने अपनी कार से जंप कर दिया भाई, थोड़ी बहुत चोट लगी लेकिन अगर मैं जंप नहीं करता भाई अंदर ही मर जाता। एक सेकंड यार देखो बल्लास गैंग के लोग फॉर्चुनर कब से चलाने लगे पता नहीं, बाकी ठीक है मुझे तो बस यार अपनी कार चाहिए कोई ना कोई एक कार जिससे मैं भाग सकूं लेके, लेट्स गो। चलो यार जल्दी से निकल लेता हूँ अब, और यार एक काम करते हैं जल्दी से पहुँचते हैं यार अपने घर पर, और घर पर पहुँच के भाई सबसे पहले तो लेस्टर को बताते हैं और फ्रैंकलिन को मैं कहूँगा भाई जाके जल्दी से कुछ करे यार, और भाई अंडरवाटर माफिया से भी बात करनी है कि वो भाई क्या जासूसी करके आया है, डेविड का अभी तो कुछ पता नहीं है भाई, लेट्स गो। ऑल राइट गाइस मैं ना फाइनली पहुंच चुका हूँ अपने घर की तरफ, एंड ये क्या, वेट तेरी भैंस की, ये क्या हो रखा भाई, मेरा ही घर है ना ये, एक सेकेंड मुझे पहले गाइस देखना भाई ये मेरा ही घर है, लेकिन इतनी सारी पुलिस क्यों है इधर, वेट आखिर खूब ये होना क्या चाह रहा है इधर। एक सेकंड वापस से एक बार लेते हैं कार पीछे, लेट्स गो भाई, कोई मुझे लग रहा है गाइस यार कुछ मैटर हो गया। एक सेकंड भाई मुझे निकल के बात करनी पड़ेगी भाई, अपना ही घर है कोई बात, मैंने कुछ किया ही नहीं है यार, मैं और भाग के आया हूँ वहाँ से। एक सेकंड पहले इससे बात करता हूँ, हाँ मीट अगले सुन भाई क्या बात है भाई। ओके यार गाइस अभी मेरी इस पुलिस वाले से बात हो चुकी है, एंड ये कह रहा है कि देखो तुम्हारी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, प्रॉपर्टी नहीं बोला प्रॉपर्टीज़, यानी मेरी सारी प्रॉपर्टीज़ वो ये वाला घर वो वाला घर और मेरे शोरूम तक वो सब सील हो चुका है भाई। मैं अभी बहुत ही ज़्यादा हैरान हूँ इस बात पर, मैंने कहा भाई बात ही क्या है आखिर क्यों सील हो गया, बस इसने बोला कि इलीगल प्रॉपर्टी है ये सब तुम्हारी, और भाई कार वगैरह सब सील कर दी, और ये मुझसे कह रहा है कि अगर ये सब वापस आइए तो बस तुम जाके पुलिस स्टेशन बात करो, हमें बस यहाँ पर जो काम करने के लिए भेजा गया था हमने वो कर दिया है, बाकी तुम अपना पुलिस मतलब पुलिस स्टेशन में जाके देख लो, बाकी बाद में भाई बात करते हैं, मतलब ये लोग नहीं हटने वाले यहाँ से। और भाई इन्होंने मुझे ना बस देखने दिया है अंदर जाकर कि मेरी क्या क्या चीज़ें सील हो चुकी हैं, और यार मेरी सारी कार्स को सील कर दिया, लैम्बोर्गिनी सियान सब कुछ भाई साहब, और पता नहीं अब यार क्या करूँ मैं यार। वेट भाई ये तो फ्रैंकलिन है, एक सेकंड अरे गाइस फ्रैंकलिन भी तो मेरे ही घर में था ना, इन लोगों को भाई के बाहर निकाल दिया, एक सेकंड यार इससे बात करता हूँ मैं, फ्रैंकलिन क्या सीन है भाई। ओके यार गाइस मेरी अभी ना फ्रैंकलिन से बात हो चुकी है, एंड ये कह रहा है कि लेस्टर और मैं दोनों अंदर थे, मतलब फ्रैंकलिन दोनों अंदर थे और ये लोग आए और दोनों को बाहर निकाल दिया, और भाई लेस्टर तो चल नहीं सकता तो व्हीलचेयर पे, तो भाई फ्रैंकलिन पैदल गया अपने घर तक, और ये अपना पिकअप ट्रक लेके आया है, अब भाई लेके जाएगा ये मतलब लेस्टर को अपने घर पे, और ये कह रहा भाई पता नहीं क्या सीन हो रखा है, और भाई मुझे भी नहीं पता, तो मैंने अभी फ्रैंकलिन से बोल दिया लेके पहुँचे फिर अपने मतलब लेस्टर घर पर, और भाई मैंने अभी इसे कुछ भी नहीं बताया कि मेरे साथ हुआ क्या है, तो मैं जल्दी निकलता। ऑल राइट गाइज मैं ना फाइनली पहुंच चुका हूं पुलिस स्टेशन, एंड जल्दी से आ रहा भाई यार यहां से, यहां का जो भी दरोगा कमिश्नर है उससे बात करते हैं और अपनी प्रॉपर्टी वापस लेते हैं, इसने तो भाई मुझे एक बार में गरीब कर दिया, क्योंकि उस वाले घर में ना जो मेरा अभी जहां से मैं आया था लग्जरी वाला घर है उसमें मेरे पैसे रखे हुए हैं बहुत ज़्यादा, वो भी कम नहीं है भाई, मतलब समझो फुल जितनी भी मेरी बैलेंस है वो मैंने निकाल के रख दिया था, और जो बैंक बैलेंस है ना वो भी मेरा खाली था क्योंकि मैंने सब कुछ कैश निकलवा के रखा था, मैं बाद में सोच रहा था भाई बाद में जमा कर देंगे आराम से, बट अभी यार इन लोगों ने सील कर दिया, एंड भाई मैंने अभी इस कॉन्स्टेबल से बात कर ली है, एंड वो भाई
पूछ लिया कि कमिश्नर कहाँ पे। ओके यार ये रहा, बता भाई तेरा क्या सीन है भाई, क्यों आखिर मेरा। ऑल राइट यार गाइस, फाइनली मेरे भी इससे बात हो चुकी है। एंड ये कह रहा है कि देखो भाई, इसने मुझे बस वो ही बात बोली जो उस पुलिस वाले ने वहाँ पर बोली, तुम्हारा घर सील हो चुका है, प्रॉपर्टी सील हो चुकी है, और तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। ये पैसा भी मेरा भाई इन्होंने रख लिया है, उन्होंने बोला तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम जेल जाके सज़ा काटो, मतलब मैं जेल जाऊँ और सज़ा काटूँ, भाई बहुत लंबी सज़ा होने वाली है, इसने मुझे बताया था अगर मैं जेल जाऊँगा, या फिर अपनी प्रॉपर्टी वापस न लूँ, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है मेरी मैं वापस ही न लूँ। भैंस की टेंट, मतलब यार एक बार में इन्होंने मुझे गरीब कर दिया भाई। और मैं इतनी तो बता सकता हूँ, ये भाई डेविड का ही किया जा रहा है, मैं बता रहा हूँ यार, और ऊपर से बल्लास गैंग का। मतलब यार इन लोगों ने मुझे दो ऑप्शन दिए, या तो भाई मैं जेल चला जाऊँ और सज़ा काटूँ, भाई सज़ा काटूँगा ना तो भाई मेरी प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, यही तो चाहिए मुझे, बोल रहे हैं। और अगर तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी, मतलब जेल नहीं जाना है तो तुम अपनी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी तुम्हें वापस। भाई ये मेरे सामने जो उन्होंने दो डिमांड रखी है ना, बहुत ही ज़्यादा बुरी हैं। तो यार मैं पता नहीं क्या करूँ, एक काम करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे डेविड के ऊपर, मैं काम करता हूँ गाइस डेव के पास जाके देखते हैं। डेव नॉर्टन है ना, वो यार इन चीज़ों में पड़ा रहता है, मतलब एक सेकंड हो भाई, वो ना इन चीज़ों में मतलब पड़ा रहता है, वो मुझे मतलब कुछ ना कुछ बताएगा, क्योंकि उसकी ना FIB से भी बहुत अच्छी जान पहचान है, तो वो मुझे कुछ ना कुछ बता दे। तो फिर एक काम करते हैं यार, जल्दी से डेव नॉर्टन के पास चलते हैं, उसको मैं कॉल लगा के ज़रा पा तेरी भैंस की, इधर को आ तू ऐसी की तैसी मोटर, इधर को आ सांड, क्या इधर तेरी भैंस की, भाई बुढ़ा कितनी इतनी तेज ट्रक चला रहा, तेरी भैंस की इतना सारा सामान है भाई, गुस्सा दिला दिया मुझे पहले से तूने, इधर को आ तेरी भैंस की, निकल यहाँ से भाई, एक भूसे का है नहीं लड़ने को आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से, निकल यहाँ से। ओके चलो ठीक है भाई, यार तो मैं कह रहा था काम करता हूँ, जल्दी से डेव को कॉल लगाता हूँ, जल्दी से निकलता हूँ उसके पास, लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, मैंने भाई फाइनली पहुंचने वाला हूँ यार, सॉरी मैं भाई फाइनली पहुंचने वाला हूँ, और मैंने यार डेव को अभी कॉल की थी, और वो भाई एक मीटिंग में है, और बता रहा तुम वहीं पर ही आ जाओ, मैं तुमसे मिल लूँगा भाई। तो फाइनली मैं वहीं जा रहा हूँ, वेट, अब भाई ये बल्लास गैंग के बंदे मेरा पीछे नहीं छोड़ने वाले, रुको तुम्हारी ऐसी की तैसी, भाई एक मिनट भाई, यहाँ पर क्या हुआ, पूरा गरीब कर दिया मेरे, मतलब मुझे, और ऊपर से एक सेकंड रुको, तुम्हें बताना पड़ेगा भाई, ये लोग पीछे नहीं छोड़ेंगे ना, इनको बताना पड़ेगा, एक सेकंड रुको भाई, पिस्टल निकाल ले, चल निकाल भाई तू अपनी, भाई एक सेकंड मैंने लगता है कुछ ज़्यादा वो कर दिया, एक मिनट तेरी, चल तू भी निकल भाई। ऑल राइट यार, ये लोग ना मारने को तैयार ही नहीं होते, मतलब मैं नहीं कितनी बार मार के भगा चुका हूँ, बट आते रहेंगे, लॉस गैंग की तरह बहुत बड़े ढीट हैं ये लोग। बाकी चलो कोई बात नहीं भाई, मैं फाइनली गाइस पहुँच चुका हूँ डेव की जहाँ पर मीटिंग है, एंड यार बाकी क्या कर सकते हैं भाई, मुझे ना बहुत ही ज़्यादा डर भी लग रहा है यार, कहीं मेरी प्रॉपर्टी मेरे हाथ से ना चली जाए, और वो सारा पैसा जो मैंने यार बड़ी मेहनत से चुराया था, मतलब हाँ, मतलब थोड़ा बहुत यार, वो तो सारा ख़त्म भी हो गया होगा, मतलब कहने का ये है कि भाई वो जो बाकी अभी पैसा है ना, जो आपने पुलिस स्टेशन में देखा था, वो था मेरा यार उस शोरूम से कमाया हुआ पैसा, और भाई मेरा शोरूम तक इन लोगों ने सील कर दिया है। बाकी मैं शोरूम भी अपना देखूंगा, एक काम करता हूँ मैं जल्दी से डेविड के पास, सॉरी डेविड के पास क्यों जाऊँगा यार, डेविड को तो मारना ही है, डेव नॉर्टन के पास चलते हैं और उससे जाके बात करते हैं, लेट्स गो। ऑल राइट यार, यहीं पर ही उसकी शायद मीटिंग चल रही है। ऑल राइट यार, ये है भाई, और यहाँ पर बैनी भी है, सॉरी बैनी नहीं बैरी, अरे यार मैं आज क्या कर रहा हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है भाई। ओके ऑल राइट यार, मेरी अभी ना बात हो चुकी है डेव से, और भाई इसने बोला है देखो भाई, जो तुम्हें पुलिस ने डिमांड दी है ना, तुम वही मान लो तो बेहतर रहेगा, और इसने हमें सजेशन दिया है कि जो मेरी, मैं जो उनकी डिमांड है उसमें से कौन सा ऑप्शन चूज़ करूँ, वो है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दूँ भाई, और सील रहने दे देता हूँ प्रॉपर्टी, क्योंकि ये कह रहा भाई पैसे तो बाद में भी कमा लिया जा सकता है किसी भी तरीके से, बस हाँ मेहनत बहुत लगती है यार। बोला है कि तुम्हें मेरे ख्याल से जेल जाने से तो बेहतर ही है कि तुम अपनी प्रॉपर्टी को भूल जाओ। यार वो सब तो ठीक है भाई, इसने मुझे सिर्फ सजेशन दिया है, बाकी मैं क्या करूँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन इसने एक बात बोली है कि अगर भाई कोई भी परेशानी हो, मतलब किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, जैसे भी ये तो अभी सॉल्व नहीं हो सकता है जो मैटर है, ये तो भाई गया मेरी प्रॉपर्टी, यार काफ़ी ज़्यादा गुस्सा तो आ रहा है मुझे, ये तो सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन बाकी अगर कोई काम हो तो बताना। अभी क्या बताना भाई, पूरा पैसा हाथ में से चला गया मेरा भाई, एक बार अगर ये मिल जाए ना मुझे बल्लास गैंग के लोग, तो इनको बता दूंगा मैं आज, वेपन थोड़े से हैं लेकिन इनको बता दूंगा भाई।
ओ भाई साहब, ये क्या किए भाई। गाइस अभी यार मैं उठा और उन लोगों ने मेरे कपड़े सब उतार दिए, और यार गाइस मुझे भाई ऐसे ही बिना कपड़ों के कर दिया। एंड ये लोग मुझे इतना मारा ना, और ऊपर से मेरा मजाक भी उड़ा रहा है, और भाई कह रहा है कि तेरे पास अब तो कुछ बताए मतलब कुछ बचा ही नहीं, और हम तुझे क्या ही मारें। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई अब मैं पूरी तरीके से, ये लोग मेरे को गरीब समझ रहे हैं भाई, पर जो कि मैं हो भी चुका हूँ यार, क्योंकि अब कुछ है ही नहीं यार करने को। और बाकी कह रहा भाई तेरे को जिंदा छोड़ दिया, तेरी बहुत ही बड़ी किस्मत है ये। एंड यार अब क्या ही कर सकते हैं भाई। एक सेकंड यार, किसी की साइकिल खड़ी है, लेके निकल लेता हूँ यहाँ से। इन लोगों ने यार मुझे कुछ करा नहीं, क्योंकि भाई बोल रहा है कि भाई तेरी अब औकात ही क्या रही, क्योंकि तू गरीब हो चुका है, तेरे पास पैसा भी नहीं है, और अभी तक तेरे पास कपड़े भी नहीं है यार, अभी क्या करें भाई। मैं पहुँचता हूँ जल्दी से अपने शोरूम पे। ऑल राइट यार गाइज, मैं ना फाइनली भाई अपने शोरूम की तरफ पहुँच चुका हूँ, और यार आखिरी बार आज अपने शोरूम को हम देख लेते हैं, उसके बाद यार निकलेंगे। बेचारा यार मुझे ना अपने पुराने दिन याद आ गए, जब मेरे पास एक घर हुआ करता था, और एक भाई एक नॉर्मल सा स्कूटर। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि मेरी यार पास्ट लाइफ कैसी गुजरी है, बट गाइज यार मुझे लगता है अपना पास्ट दोबारा से वापस आ रहा है। बट अभी तो यार एक घर भी नहीं है मेरे पास खुद का, लेकिन देखो यार इन लोगों ने मेरा शोरूम तक सील करके रखा है। एंड भाई ये नाम कैसा कर दिया इन्होंने, ऐसा तो था भी नहीं भाई, ये क्या सीन है। बाकी यार इधर वाली साइड भी इन्होंने यहाँ पर सील कर दिया, और मैं काम करता हूँ गैराज वाली साइड पे जाके देखता हूँ, शायद उधर देखता हूँ कुछ वहाँ पर मतलब चल कह रहा है। क्योंकि यार मैंने ना क्या सीन किया था, वहाँ पर काम शुरू करवाया था अपने गैराज का, और यहाँ पर भी यार उन्होंने मेरे ख्याल से सारे जो भी मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उन सारे कंस्ट्रक्टर वर्कर को भगा दिया होगा यहाँ से। और अब यार क्या ही कर सकते हैं, बाकी निकलते हैं यहाँ से। ओ भाई साहब यार बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, और गुस्सा भी आ रहा है भाई, कुछ करना पड़ेगा, या तो एक नई शुरुआत या तो कुछ और। चल निकल यहाँ से तू। ओके यार पता नहीं। ऑल राइट यार गाइस, मतलब एक बड़ा बिजनेसमैन इतने टाइम से इतना सारा पैसा दबा दबा के कमा रहा था, भर भर के जेब। और देखो यार गाइस ऐसी हालत हो गई है, अपने ही शोरूम के सामने खड़ा हुआ है भाई, वो भी लाचार और गरीब बनकर, मतलब भीख मांगनी पड़ रही है यार अपने शोरूम के सामने। इतना गरीब कर दिया मुझे, एक बार में गिरा दिया। अब यार अगर अपनी फैमिली के पास जाऊंगा तो वो लोग तो मुझे भगा देंगे, कहेंगे तेरे पास तो पैसा ही नहीं है भाई। माइकल की फैमिली तो वैसे भी उसे छोड़ के भाग गई थी। बाय गाइस आज की वीडियो यहीं पर ही एंड करते हैं यार, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।